तो यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत आ चुकी है ना, इतनी बड़ी ट्रेन में पानी ही नहीं है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पानी ही नहीं है फिलहाल। गुड मॉर्निंग, स्वागत है गुड मॉर्निंग ब्लॉग में। फिलहाल तो फ्रेश वगैरह फ्रेश होता हूँ और बता दो टाइम कितना हुआ है। टाइम आने में तो बिल्कुल अलग ही लग रहा हूँ, कल से भी नहाया नहीं और आज दिल्ली में जाके नहा। दिल्ली में और ट्रेन बहुत डिले हो रही है, आज दिखा रहा था 9 बजे और अभी 10:30 बजे पहुँचेंगे दिल्ली में, तो सीधे बहुत लॉन्ग टाइम है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत आ चुकी है ना, इतनी बड़ी ट्रेन में पानी ही नहीं है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पानी ही नहीं है फिलहाल। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके धो के आ गया फुट और अभी ऊपर बैठा हूँ। पहुँचने वाले थोड़ी सी दूर है, बहुत देर से स्लो ही चल रहा है, निकल रहे लगभग पहुंच चुके हैं, सब लोग तैयार है उतरने के लिए और अपन भी। सब लोग उतरने दो, अपन बाद में उतरेगा। ट्रेन तो लास्ट स्टेशन है ना, है लास्ट स्टेशन है, जितनी भी देर तक के उतरो। और हमारे हल्द्वानी के लिए 4 बजे का टाइम, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। दया पर है भाई, फिलहाल दिल्ली में हूँ और कैंडी लिया दया पर आगे जाएंगे, क्या होगा देखिए। रायपुर एक घूमगा मोगल, पुरानी दिल्ली जाने के लिए मेट्रो स्टेशन कहाँ पे पता नहीं चल रहा, क्या करें, कुछ आए या डायरेक्ट ट्रेन, नहीं पुरानी दिल्ली चली जाए यहाँ पे, यहाँ से पता नहीं कितनी दूर है। और अभी ढूंढ ही रहा हूँ लोकेशन, डरता हूँ कहाँ पे यहाँ ऐसे। किसी कूली भाई से पूछते, ज़्यादा बहुत सारे हैं यहाँ पे एक जगह खड़े हुए, वहाँ पे खड़े हैं तो पूछता हूँ क्या कहेंगे। भैया जी ये मेट्रो स्टेशन कहाँ पे, उस तरफ जाना पड़ेगा। कोई भी ठीक से बोल नहीं रहा यार यहाँ पे, तो ऐसे क्या दिल्ली पता नहीं चल रहा मुझे, तो हद यार कितनी गर्मी है पता है आप लोगों को। यहाँ पे हमारे यहाँ तो बहुत कम था, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बारिश भी नहीं कुछ भी नहीं। तो उस तरफ से इस तरफ मुझे जाना है, जाओ करके काम, तो इस तरफ आ चुका हूँ मेट्रो के लिए। चल के भी जा सकता हूँ मैं, 2 ही किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो देखेंगे जैसा मेरा मूड चेंज होगा वैसा मैं चेंज कर दूँगा सबको, यानी कि मेरा मूड जैसा होगा वैसे ही मेरे दिमाग से चल रहा है वैसे ही मैं कर लेता हूँ, जितने भी दूर चले ही जाता हूँ चलना हो तो। अरे यार यहाँ पे तो ठीक से एड्रेस भी नहीं बताते, बताने के लिए चिढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया है यहाँ से एंट्री लेना है स्टेशन एंट्री, कुछ छोटा सा जगह है कि स्टेशन प्रवेश, तो यहाँ से एंट्री लेंगे अंदर, ले लीजिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। भाई फर्स्ट टाइम अंडरग्राउंड नहीं, पहले तो गया हूँ हुबली में अंडरग्राउंड, लेकिन मेट्रो में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। बेंगलोर में गया था, यहाँ अंडरग्राउंड फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं तो। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है क्या, कुछ पता नहीं चल रहा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या आ रहा है यहाँ पे। मेट्रो स्टेशन के लिए किस तरफ जाना पड़ेगा कुछ पता नहीं चल रहा, फर्स्ट टाइम अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के लिए जा रहा हूँ। हमारी गली में भी है, वो भी बहुत अच्छी है अंडरग्राउंड की। तो पहले तो हमें कॉइन लेना पड़ेगा, कॉइन कहाँ पर देते, टिकट जैसे कि मेट्रो का कॉइन रहता है उसकी कॉइन लेना पड़ेगा, कॉइन के बाद कहाँ पे आएगी वहाँ पे वेट करके मेट्रो पे चढ़ेंगे। भाई कुछ इस तरीके से मेट्रो का यहाँ का ये देख सकते हो, और अभी ऊपर जाना है या नीचे जाना कुछ पता नहीं चल रहा, और 20 रुपये लिया एक टिकट। यहाँ से चेकिंग हो रहा है, बैग वगैरह सब कुछ यहाँ पे बैग रखे। मेट्रो आई हुई इस तरफ आने वाली है, उतरना है, आ गई है हमारी रेलवे। भाई साहब दरवाज़ा ओपन हो गया, एग्जिट आने वाला है, चलो ये अंदर चलते हैं, नहीं चौक उतरना है नेक्स्ट स्टेशन। अरे यार यहाँ पे तो वीडियो ही नहीं बना रहे मेट्रो स्टेशन में, निकल जाएंगे बाहर बाद में बनाएंगे सब कुछ।
पुरानी दिल्ली तो आ गए चढ़ के तो, और गूगल मैप भी चलो ऐसे ही, कहाँ पे जाना है सब कुछ डायरेक्शन बता रहा है अपन को। और पीछे जो आ रहे हैं ना जवान है आर्मी, इंडियन आर्मी का, अभी अपन को जाना है हल्द्वानी, उसका ट्रेन पूछेंगे कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी, सब कुछ पूछ के जाएंगे यार। पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन, और कितना बड़ा भारत देश का तिरंगा है यार, बहुत बड़ा है। अंदर कहाँ से ले जाएंगे अभी, आगे होगा शायद गेट। और पूरा बॉडी ना पानी पानी हो चुका है, पहले ही नहाया नहीं और इसमें पानी। और यहाँ का तापमान पता है कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस है यार, 34 डिग्री सेल्सियस, हमारे तरफ तो 25 नीचे ही है। कुछ खाएंगे यहाँ पे, पूछेंगे भी भाई जी एंट्री कहाँ से है आगे। एक छोले भटूरे दे दीजिएगा, छोले परोठा है हाँ दो यार, अगर पहली बार चला करें। और यार रोटी और एक छोले जी, देखते हैं कैसा क्या लगता है। तो यार सुबह से भूखा था, अभी खाया आलू पराठा और छोले था उसके साथ, बढ़िया था। लेकिन अभी अंदर जाना है, इस तरफ से एंट्री ले यार पता नहीं चलता, वो एंट्री तो बहुत दूर से है यार। और आलू पराठा तो आपने पहली बार ट्राई किया, लेकिन कुछ भी हो टेस्ट अलग ही था। जब भी जो भी सामान पहली बार खाते हैं ना खाना, तो वो अलग ही मूड रहता है उसका। फाइनली एंट्री मिल चुकी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा गर्मी है तो बारिश तो हो गई ना, तो बारिश शुरू हो चुकी है बूंदे बूंदे छोटी छोटी बूंदे के साथ। तो अंदर जाऊंगा मैं और अंदर जाके प्लेटफॉर्म नंबर वगैरह पूछूँ, क्योंकि मैं नया हूँ यहाँ पे, कुछ पता नहीं चलता और कोई यहाँ पे ठीक से पता भी नहीं रहा है। तो वहाँ पे जाके देखता हूँ मैं थोड़ा, मेरा हमारा भैया है कि आर्मी वाला, तो उनको फ़ोन करता हूँ मैं, दिल्ली पहुँचते उनको फ़ोन करता हूँ, बोला था तो उनको पहले कॉन्टैक्ट करता हूँ मैं, थोड़ा बातचीत हो जाए तो अच्छे होगा ना इसीलिए। तो पीछे वाले भैया जी से पूछा मैंने, हल्द्वानी का ट्रेन कहाँ पे, इसी प्लेटफॉर्म में आता है नंबर 1, नंबर 4 होगा शायद, और वेटिंग रूम भी तो बहुत सारे यार। कुछ दिल्ली के बारे में समझाते हुए टीवी, आज़ादी के बारे में। तो हमें मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे हल्द्वानी के लिए नंबर 5 है। तो अभी तो वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा, और अभी समय है 12:30 है, 12:30 भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो 12 बजे हुए, यानी कि पूरे 5 घंटे वेट करना पड़ेगा। चल रहा है